नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। वो जादूगर है या उसमें कोई तिलिस्मी शक्तियां हैं जो उसे सबसे अलग बनाती है? उसका चेहरा आईने में नजर नहीं आता है। क्या यह संभव है? क्या इन्हीं शक्तियों की वजह से पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनसे शादी की है? ये सारे सवाल बेहद ही अनोखे और हैरत करने वाले हैं। पाक की फर्स्ट लेडी का अक्ष आईने में नजर नहीं आता है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान पीएमओ के हाउस कर्मचारी ने किया है। फर्स्ट लेडी के पास हैं रूहानी ताकतें। फर्स्ट लेडी करती हैं जिन्नों का इस्तेमाल। क्या उसे मालूम है भविष्य? इमरान की बीवी का भूतिया साम्राज्य। कई बार आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि जाकर अपनी शक्ल आईने में देख, लेकिन क्या हो यदि अपनी शक्ल आईने में दिखाई ही ना दे? बड़े ही हैरत करने वाली बात है। लेकिन पाक के एक अधिकारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी का चेहरा आईने में नहीं दिखता और इस बयान के बाद फिर से बुशरा बीबी चर्चाओं में है। पाकिस्तान पीएमओ के हाउस स्टाफ के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की तस्वीर शीशे में नहीं दिखती है। ऐसा पाकिस्तान के कैपिटल टीवी ने खातून अव्वल यानी प्रथम महिला को लेकर दावा किया है। बता दें कि हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में हिस्सा लेने से पहले इमरान खान ने अपनी पत्नी के साथ उमरा किया, जिसकी तस्वीरों में वो सिर से लेकर पांव तक बुरखे में नजर आई थी। इससे पहले भी वो चर्चा का विषय बनी थी जब ये कहा गया था कि उनके पास दो जिन्न हैं। दरअसल पत्रकार तासीर के मुताबिक उन्हें एक पत्रकार ने बताया था कि बुशरा बीवी के पास दो जिन्न हैं और वो उनकी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। हालांकि तासीर ने उस पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं किया था। बुशरा के कुछ भक्त मानते हैं कि वो आध्यात्मिक ताकतों से परिपूर्ण हैं। वो उन्हें बुशरा बीबी, पिरनी या बीबी पाक दामन के नाम से बुलाते हैं। वो आध्यात्मिक काउंसलर भी हैं। वो इस्लामिक कानूनों का सख्ती से पालन करती है। लोग उन्हें ऐसी महिला मानते हैं जो किसी का भाग्य बदल सकती है। पत्रकार के मुताबिक पिंकी पिरनी के नाम से पहचानी जाने वाली बुशरा बीबी से जब कोई अपनी किसी परेशानी का हल मांगने जाता है तो वो उससे पके हुए मीट की मांग करती है। इस मीट को वो दो जिन्नों को खिलाती है जो उनकी मर्जी के हिसाब से कार्य करते हैं। यदि बात की जाए खातून अव्वल यानी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी और इमरान खान के रिश्तों की, तो ऐसा दावा किया जाता है कि चुनाव से पहले शादी करने की भी कुछ ऐसी ही तिलस्मी वजहें थी। बता दें कि इमरान बुशरा के पास आध्यात्मिक ज्ञान लेने जाते थे। इमरान खान के सत्ता में आने से 6 महीने पहले ही उनसे निकाह किया था। वो इमरान की तीसरी पत्नी है। पत्रकार ने यहाँ तक दावा किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी एक सपने की वजह से की थी। उनके मुताबिक इमरान खान एक बार बुशरा के पास अपनी किसी समस्या के हल के लिए गए थे, तब बुशरा ने सपने का जिक्र किया था। बुशरा ने बताया था कि इमरान को किसी अच्छी महिला से शादी करनी चाहिए। बुशरा ने अपनी बहन या अपनी बेटी से शादी के लिए इमरान के सामने पेशकश की, जिसे इमरान खान ने ठुकरा दिया। बाद में बुशरा ने एक बार फिर सपना देखा जिसके मुताबिक खान से खुद उन्हें शादी करनी चाहिए और चुनाव से 6 महीने पहले दोनों की शादी हो गई और इमरान पाकिस्तान के वजीर आलम भी बन गए। इन दावों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में किसी को नहीं पता और हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी के पास कोई तिलस्मी शक्तियां हैं या उनके पास दो जिन हैं। निखिल कुमार के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाबकेसरी.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।